एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इनग्रोन हेयर के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो मेरी आज की वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल गर्मियाँ और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे में आपको टैनिंग या फिर स्किन बर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको सनस्क्रीन लगाना तो मस्ट है, चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर आप बाहर नहीं जा रहे हैं। सो आई यूज़ दिस लोटस ऑर्गेनिक्स मिनरल सनस्क्रीन विद SPF 40। ये हमारी स्किन को टैन और बर्न होने से बचाता है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से। इसका टेक्सचर काफ़ी लाइट है, ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और ग्रीसी नहीं है। इट मीन्स इट इज़ परफेक्ट फॉर समर्स। ये स्किन में इजीली ब्लेंड हो जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके फेस के ऊपर कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, जिससे आपका फेस बिल्कुल भी वाइट नहीं लगता है। ये 100% ऑर्गेनिक है, पैराबिन, सल्फेट, प्रिजर्वेटिव एंड क्रुएल्टी फ्री है। फॉर बेटर रिजल्ट री अप्लाई इट आफ्टर एवरी 3 आवर्स इफ़ यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू सनलाइट। आप मेरी स्क्रीन पर दिए हुए कूपन कोड से अगर इसे बाय करोगे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको मिलेगा डिस्काउंट। तो जल्दी से जाकर इसे बाय करो। आज मैंने अपनी स्किन पे कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे स्किन पे ना एक्ने हो रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि पहले ये हील हो जाए, उसके बाद अगर मुझे मेकअप करना हो तो मैं मेकअप करूँ। तो मैंने सिर्फ अभी तक मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है एंड देन आई हैव अप्लाइड दिस लोटस ऑर्गेनिक सनस्क्रीन। तो अब आ जाते हैं इनग्रोन हेयर्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इनग्रोन हेयर्स होते क्या हैं। जब आप लोग वैक्सिंग या फिर शेविंग कराते हैं तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो बाल निकलने की वजह से लार्ज जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर डर्ट चली जाती है और हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी हेयर ग्रोथ बाहर की साइड होनी होती है वो स्किन के अंदर ही होने लगती है और उसके ऊपर स्किन की एक पतली सी लेयर हो जाती है, उसकी वजह से उसके अंदर ब्लैक हेड या फिर व्हाइट हेड भी हो जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो बी ऑनेस्ट, इसका कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा कोई भी एक प्रोडक्ट नहीं है कि आप वो यूज़ करेंगे और आपके इनग्रोन हेयर्स है वो गायब हो जाएंगे। आपको अपने डेली रूटीन के अंदर छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, जिसकी वजह से ही आप अपने इनग्रोन हेयर से छुटकारा पा सकते हैं। तो वो क्या चेंजेस आपको करने हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ और आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको मार्केट जाना है और ख़रीद कर लेके आना है ये है लूफा। अगर आप इसे पहले से यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जाके इसे बाय कर लो, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये आपको लोकल मार्केट में 40 से 50 रुपए का मिल जाएगा, या फिर आप लोग इसे अमेजोन से भी मंगवा सकते हो, वहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा आपको 100 या 150 रुपये का। उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसको यूज़ करने से आपकी जो इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम है वो 20 से 30% ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगी। ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, तो इसको डेली यूज़ करने से जो हमारी हेयर ग्रोथ अंदर की साइड होती है स्किन के, वो स्किन से थोड़े थोड़े बाल जो हैं वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो 20 से 30% जो हेयर है वो आपके वो ऐसे ही इससे ही आपकी स्किन से बाहर आ जाते हैं। और ये आपको डेली यूज़ करना है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइट रब नहीं करना है इससे, उससे आपको रैशेज हो जाएंगे। एक चीज़ और बता दूँ आपको कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लूफा यूज़ करने के लिए आपको कोई बॉडी वॉश की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मैं ज़बरदस्ती का खर्चा करा रही हूँ आपका, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको सोप के साथ, जो डेली साबुन आप यूज़ करते हो उसके साथ भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर सकता है। और जो लोग इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैं एक ऑप्शन और दे रही हूँ, मतलब आप उसे ऑप्शन कंसिडर कर भी सकते हैं और नहीं भी, वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे घर पे एक पत्थर होता है कुछ इस तरह का, जो पहले के ज़माने में या फिर अभी भी मम्मी दादी यूज़ करा करते हैं, इसको हम मैलखोरा भी बोलते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन ये मैं रेफ़र नहीं करूँगी आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्श होता है, इससे आपको रैशेज होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। मतलब मैंने तो जितनी बार भी यूज़ किया है 2 या 3 बार, थोड़ा सा भी मैं रब कर लेती हूँ तो मुझे रैशेज हो ही जाते हैं। तो उससे बेटर है कि आप ये खरीद लो, बहुत महंगा तो आता नहीं है, सिर्फ 40 या 50 रुपए का ही आता है। तो सेकंड है हमारे पास स्क्रबिंग। आपको वीक में 2 बार स्क्रबिंग करनी ही करनी है, 2 से ज़्यादा बार भी नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का ओवर करना भी हार्मफुल होता है। तो आपको सिर्फ 2 बार वीक के अंदर स्क्रबिंग करनी है। उसके लिए आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हो, मार्केट में आजकल बहुत सारे स्क्रब्स अवेलेबल हैं। मैं स्क्रबिंग के लिए यूज़ करती हूँ ये एम कैफे का बॉडी स्क्रब। तो ये जो है ये काफ़ी अच्छा है, इसको मैं कोकोनट ऑयल के अंदर या फिर हनी के अंदर मिक्स करके यूज़ करती हूँ। स्क्रबिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जो हेयर स्किन के अंदर होते हैं वो भी धीरे धीरे बाहर आने शुरू हो जाते हैं।
लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपने स्क्रबिंग की और उससे ही आपके सारे इनग्रोन हेयर बाहर आ जाएंगे और ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस होता है, तो धीरे धीरे आपको इसको थोड़ा टाइम देना है। आप 1 मंथ सारा प्रोसीजर अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। तो इसके लिए आपको पेशेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन लोगों को बाहर से स्क्रब नहीं खरीदना है, डोंट वरी, आप लोगों के लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आप लोग अपना स्क्रब जो है वो घर पर ही बना सकते हो। जो चावल होता है उसको आपको मिक्सर में ही पीस लेना है, थोड़ा आपको दरदरा रखना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है वरना स्क्रब नहीं होगा उससे। उसको थोड़ा सा दरदरा रख के आप उसके अंदर जो टोमेटो का वाटर होता है, टोमेटो जूस जो होता है, वो आप ऐड कर लो और हनी ऐड कर लो, उसे स्क्रब करो बढ़िया, एकदम बहुत ही अच्छा स्क्रब होता है। मैं सभी लोगों के लिए चीज़ें बता रही हूँ, जो लोग मार्केट से बाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी, और जो लोग मार्केट से बाय नहीं करना चाहते, जिन लोगों के पास टाइम है चीज़ें घर पे खुद करने का, तो उन लोगों के लिए भी। तो मैं दोनों चीज़ें बता रही हूँ, आपको जो सुटेबल हो आप लोग वो चीज़ वैसे यूज़ कर सकते हो। तीसरा है मॉइस्चराइजिंग, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नहा के आने के बाद मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन अप्लाई करना ही करना है। जैसे आप अपनी स्किन की केयर करते हो, स्किन को मॉइस्चराइज रखते हो, ऐसे ही आपको पूरी बॉडी की केयर भी करनी है। आपको लोशन या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ही करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र अप्लाई ना करना एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके इनग्रोन हेयर्स के होने का। अगर आप जल्दी में रहते हैं और कभी कभी आपसे मॉइस्चराइज़र लगाना स्किप हो भी जाता है, तो वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं सलाह दूंगी आप लोगों को कि आप मॉइस्चराइज़र लगाना स्किप करो, पर हमारा आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, तो उसमें कभी कभी चीज़ें जो हैं वो रह जाती है। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप लोग कोई ऐसा बॉडी वॉश यूज़ करो जिसके अंदर मॉइस्चराइज़र हो, जिससे कि आपकी स्किन क्लीन भी हो और आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज़र भी रहे। तो मैं यूज़ करती हूँ नायका का वंडरलस कंट्री रोज़, एंड मैं बॉडी लोशन भी यही वाला यूज़ करती हूँ। आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप लोग मॉइस्चराइज़र नहीं खरीदना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप लोग नारियल का या फिर सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो, वो बेस्ट बेस्ट होता है। मैं भी आधी से ज़्यादा बार वही यूज़ करती हूँ, स्पेशली विंटर्स में मैं कोकोनट ऑयल जो है वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये जो दोनों तेल है आपको इजीली आपके घर में अवेलेबल होते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की नीड नहीं होती है। हाँ, अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ट्राई करो कि आप जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है वो यूज़ करो। कुछ कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ऑयल यूज़ करने के बाद थोड़ा चिपचिप फील होता है, तो उन लोगों के लिए भी है मेरे पास सॉल्यूशन। मैं क्या करती हूँ, मैं बाथरूम के अंदर ही एक कटोरी के अंदर ऑयल डाल के रखती हूँ, मतलब परमानेंट वो वहीं पर ही रहता है ऑयल मेरे बाथरूम के अंदर। तो आप नहाने के बाद एक बार टॉवल से अपने आप को अच्छे से पोंछ लो, उसके बाद तेल को अप्लाई करो और फिर एक बार शावर ले लो। साबुन नहीं लगानी है आपको, सिर्फ पानी डालना है अपने ऊपर, तो उससे जो भी एक्स्ट्रा तेल होता है चिपचिप वाला, जो आपको चिपचिप फील कराता है, वो जो है रिमूव हो जाता है और आपको मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है। आपको ऐसा चिपचिप भी नहीं लगता है और आपको ऐसा भी नहीं लगता है कि आपकी स्किन जो है ड्राई है। तो मुझे तो ये वाला जो तरीका है वो बेस्ट लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये तरीका कैसा लगा। तो अभी तक जो मैंने आपको बताई वो थी मेन चीज़ें। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला, जब भी आप वैक्सिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो वैक्सिंग लगा रहे हो, वैक्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, वो हेयर की डायरेक्शन में हो और जो आप स्ट्रिप हटा रहे हो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, इसमें गड़बड़ करोगे, तो आपको इनग्रोन हेयर जो है वो होंगे ही होंगे। मैंने वैक्सिंग के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है, मैंने आपको यहाँ पे आई बटन में दे दिया, आप चेक कर लेना, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से भी चेक कर सकते। दूसरा, कोशिश करो कि आप अपनी फुल हेयर ग्रोथ के अंदर ही वैक्सिंग कराओ अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो, और वैक्सिंग कराने से एक दिन पहले स्क्रबिंग करो ताकि जो थोड़े बहुत हेयर स्किन के अंदर है वो स्किन से बाहर आ जाए और आपकी वैक्सिंग अच्छे से हो जाए। जिस पोर्शन की भी आपने वैक्सिंग या शेविंग करी है उसको हमेशा ठंडे पानी से ही वॉश करो, गर्म पानी से कभी वॉश मत करो, क्योंकि एक तो हमारे पोर्स जो है वो ऑलरेडी लार्ज हो रखे होते हैं उस टाइम पे। अगर आप गर्म पानी से वॉश करते हो तो आपके जो पोर्स है वो और ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर डर्ट जाती है और आपके पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाते हैं, एंड अगेन आपको फिर वो इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम होती है। वैक्सिंग या शेविंग के बाद हमेशा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर लो, या फिर आप कोई भी आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन जो है वो यूज़ कर सकते हो, बस आपको मॉइस्चराइजिंग करना स्किप नहीं करना है किसी भी हालत में।
शेविंग के लिए कभी भी बहुत पुराना रेजर यूज मत करो, अपने रेजर को टाइम टू टाइम जो है वो चेंज करते रहो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पुराना रेजर यूज करते हो तो उससे आपके बाल जो है वो टूट जाते हैं, जिससे आपको रेजर बम्प्स भी हो जाते हैं, और जो रेजर बम्प्स होते हैं वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का कारण बनते हैं, तो अगेन वो सेम इनग्रोन वाली प्रॉब्लम होती है। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो तो अपने आप को जाने से पहले सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट करके जाओ, ताकि आपको टैनिंग या फिर स्किन बर्न ना हो। तो आप ये सेम सनस्क्रीन जो है वो यूज़ कर सकते हो अपनी पैरों पर, हाथों पर और पूरी बॉडी पर लगाने के लिए, ये बहुत अच्छी है। ऑल्सो इन सब के अलावा आजकल मार्केट में एक दो और चीज़ें आई हुई हैं, जैसे कि ये ड्राई ब्रश जो हमारे इनग्रोन हेयर को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, या फिर आप ये ग्लव्स भी ट्राई कर सकते हो, ये भी हमारे इनग्रोन हेयर को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। अगर आप चाहो तो इन्हें बाय कर सकते हो, इनका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज आपको रिकमेंड किए हैं उन सबका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से इजीली बाय कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और यूजफुल लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ऑल्सो हिट द बेल आइकन और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप लोग मुझसे किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियो अपलोड कर दूँ और वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।